तो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। पिछले लेक्चर हमने क्या देख लिया था कि जब हमारा एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका एरिया कैसा होगा, जब हमारा एक्स एक्सिस के नीचे होगा एरिया तो कैसा होगा। ठीक है, ये हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है जिसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। पहला हमारे पास है कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एक्स, फाइंड करना है हमें द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी क्या करनी है, पिक्चर ड्रॉ करनी है। पिक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। हमारे पास इक्वेशन ये है, तो हमारे पास ये क्या होगा, एक पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला क्या, ये वाई इक्वल टू क्या, हमारे पास वाई इक्वल टू हमारे पास है, वाई इक्वल टू कितना हमारे पास है, एक्स है। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला किस पे बनेगा, हमारा ये हमारा पैराबोला बनेगा हमारा वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, क्या करेंगे कि हमें क्या फाइंड करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स, ये किसका फॉर्मेट है, हमारे लाइन का फॉर्मेट है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वाई इक्वल टू एक्स की हमें क्या करनी पड़ेगी, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब जो अगला स्टेप है हमारे पास क्या है, ये कौन सी इक्वेशन हो गया हमारे पास, वाई इक्वल टू एक्स हो गया, और ये जो हमारे पास पैराबोला है ये क्या हमारे पास है, वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास पैराबोला हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है, बाउंडेड एरिया रीजन फाइंड करना है। ठीक है, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। जब हमारे पास ऐसा ग्राफ आता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये एरिया निकालना है, जो हमारे पास बाउंडेड एरिया निकालना है। ठीक है, तो बाउंडेड एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे हमें मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलेगा, हमें क्या करना है, ये एरिया निकालना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास क्या परपेंडिकुलर, यहाँ से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा कि हमारे एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करा है वहाँ की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसका यूज़ कर सकता हूँ मैं। वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, एंड क्या है हमारे पास, वाई इक्वल टू एक्स है। हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, एक्स कॉमन ले सकता हूँ हमारे पास, तो हमारे पास बच जाएगा वन माइनस एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, और कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ज़ीरो, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, एक तो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, वन मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो एरिया है बाउंडेड एरिया रीजन का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो से लेकर एक्स तक, यहाँ तक हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। उसमें से क्या कर लेंगे कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से एरिया निकाल के यहाँ से क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या एरिया आ जाएगा, ये वाला हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, पहले फाइंड कर लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जब मैं एक्स की वैल्यू जब इस इक्वेशन में मैं पुट करूँगा तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू वहाँ पे ज़ीरो पुट करूँगा तो वाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि जब हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो थी तो वाई की वैल्यू भी ज़ीरो आ गई।
एंड और क्या, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 पुट करा तो इस इक्वेशन में, तो हमारे पास वन वाई की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, यानी कि ये हमें पॉइंट हमें मिल गया है 1 1। ठीक है, हमें मिल गया कोऑर्डिनेट ये 0 0 और यहाँ पे मिल गया 1 1। अब हमें क्या करना है, 0 से लेके 1 तक क्या करेंगे, अपना एरिया को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाले एरिया को, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया निकल जाएगा। यानी टोटल में से, ये जो टोटल एरिया में से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, टोटल एरिया पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या कर लिया, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हमें क्या करना, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वहाँ पे, वहाँ के क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 आई है, एक्स की वैल्यू 1 आई है, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे आ गया और एक्स की वैल्यू 1। जब हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू जब हमने इक्वेशन में 0 0 पुट करा, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या मिल गया, 0। जब हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करा इस इक्वेशन में, तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। उसके बाद क्या करेंगे कि हमें क्या करना है कि एरिया निकालना है, एरिया ऑफ, एरिया किसका निकालना है, शेडेड रीजन का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से एरिया निकाल लूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया निकाल लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो बड़ा वाला एरिया हमारे पास है, उसमें से क्या करूँगा, ये वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास जो एरिया आएगा कि 0 से लेके हमें कहाँ तक करना, 1 तक, 0 से लेके हमारा 1 तक इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, ये एरिया किस पे लाइक कर रहा है, हमारा एरिया एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी एक्स के, और इंटू में क्या आ जाएगा, हमारे पास वाई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बड़ा वाला हो गया, उसमें से माइनस कर देंगे हम 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन हमारा होगा, लिमिट ऑफ एरिया किस पे लाइक कर रहा है, हमारा एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स इंटू में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि एक्स की, सॉरी वाई की वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म में, एक्स के टर्म में निकालेंगे। और यहाँ से भी क्या करेंगे कि वाई की वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म में, हम निकाल सकते हैं एक्स के टर्म में निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट कर दूँगा और वाई की वैल्यू पुट कर दूँगा, एक्स के टर्म में हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 से लेके 1 तक, उसके बाद हमारे जो इक्वेशन क्या है, एक्स इंटू में डी एक्स है, माइनस करना हमें 0 से लेके 1 तक, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। हमने क्या कर लिया, जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसका यूज़ कर लिया कि एक्स की वैल्यू, सॉरी वाई की वैल्यू हमें निकालनी है किसके टर्म में, निकालनी है एक्स के टर्म में निकालनी है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालने किसके टर्म में, एक्स के टर्म। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x² अपॉन में 2। उसके बाद लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 से अपर लिमिट, लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, अपर लिमिट हमारे पास 1। उसके बाद माइनस करेंगे, x³ हो जाएगा अपॉन में 3 हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके 1। उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस के बाद माइनस, और ये नेगेटिव साइन। उसके बाद अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लोअर लिमिट, और यहाँ से हमारा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारा ये पास, यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। उसके बाद हमारे पास जो ये वैल्यू बच जाएगी कितना आ जाएगा, हमारे पास 1/6 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका एरिया हो गया। जब भी हमारे पास क्या था,
हमारे पास लाइन था, ये लाइन, ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। और ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। जब हमारे पास पैराबोला भी होगा, लाइन भी होगा, तो उसको क्या कर सकते हैं उसमें, कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, कि इक्वेशन का यूज़ करेंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। जब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेगा, उसको इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे हमारे, उसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे क्या कर रखा है, ये लाइन कहाँ पे करिए, इंटरसेक्ट करिए कहाँ पे, पैराबोला पे, वो क्या होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद क्या करा, यहाँ से जो एरिया था पूरे एरिया में से हमने क्या माइनस कर दिया, ये वाला एरिया, इसके बाद हमारे पास क्या मिल गया, ये छोटा वाला एरिया मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का, जिसमें क्या करना था, हमें एरिया निकालना था। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमारे पास इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2 फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ बाउंडेड अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, पिक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास है ये पैराबोला, हमारे पास है और ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई, इसका यूज़ करेंगे। यानी कि पैराबोला क्या होगा, ये हमारा बनेगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन है, हमें ये कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, जब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो पुट करूँगा, एक्स की वैल्यू सॉरी वाई की वैल्यू जब मैं ज़ीरो पुट करूँगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो पुट करूँगा, तो मैं क्या, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। एक्स की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे ज़ीरो पुट करा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी हाफ। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे हमने पुट करा वाई की वैल्यू जब ज़ीरो पुट करा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, तो हमारा -2 कहाँ होगा, हमारा -2 यहाँ पे होगा, -2 हमारे यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमारा बन जाएगा, हमारे पास ये हो गया, हमारे पास जब मैंने क्या करा, एक्स की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे ज़ीरो पुट करा, तो हमारे पास क्या आ गया, वाई की वैल्यू हमें क्या हाफ मिल गई, सपोज यहाँ पे हाफ आ गया। ठीक है, और जब मैंने एक्स की वैल्यू सॉरी वाई की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे ज़ीरो पुट करा, तो हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस लाइन को यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं जो कनेक्ट कर दूंगा, जब ये हमारे दोनों पॉइंट कनेक्ट हो गए, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे क्या गया, इंटरसेक्ट हो गया। यानी कि इस लाइन ने पैराबोला पैराबोला को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास क्या था, लाइन था, पैराबोला था, जहाँ पे इंटरसेक्ट करा, तो वो हमने इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट निकाल लिया। उसके बाद एक्स की वैल्यू पुट करा, उसके बाद वाई की वैल्यू हमारे पास भी ज़ीरो आएगी, एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट करा, तो वाई की वैल्यू, उसके बाद हमने क्या कर लिया, बड़े वाले एरिया में से हमने छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास एरिया आ गया। उसके बाद हमने क्या कर लिया, ये जो हमारे पास पैराबोला था वाई एक्सिस पे, उसमें से हमने क्या कर लिया, लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर लिया, पॉइंट को हमने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये इंटरसेक्ट हो गया, पैराबोला को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस वाले पॉइंट पर और यहाँ पे। अब क्या करना पड़ेगा हमें, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, एंड हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू फोर वाई माइनस टू। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगा, और यहाँ से क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू यहाँ इसमें वैल्यू पुट कर दूँगा, वहाँ यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू के अंदर जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्वाड्रिक फैक्टर बन जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस टू और यहाँ पे एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास टू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस वन आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इस वाले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि जब मैं यहाँ पे टू एक्स की वैल्यू जब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में टू पुट करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है माइनस वन यहाँ पे है और टू मिल गया। यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना पड़ेगा ये पूरा एरिया नहीं, वैसे तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो पैराबोला है, ये जो कर्व है इस लाइन के नीचे वाला, यानी कि ये वाला हमें एरिया निकालना है, ये वाला। तो लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, चीज़ों के यहाँ ये वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा लाइन हो, लाइन की इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू फोर वाई माइनस टू, और ये क्या है हमारे पास, पैराबोला है जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास क्या आ गया, हमें एक्स की वैल्यू मिल गई है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने के बाद क्या हो गया हमारे पास, माइनस वन और टू आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारे पास माइनस वन से मैं क्या करूँगा, माइनस वन से हमें क्या करना पड़ेगा, टू तक एरिया निकालना पड़ेगा। उसमें से मैं क्या करूँगा, इस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, जिसमें से क्या आ जाएगा, हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये एरिया हमारा किस पे लाइक कर रहा है, ये एरिया हमारा एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी एक्स के टर्म में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा क्या करना पड़ेगा हमें, ज़ीरो से लेके ज़ीरो से लेकर हमें कहाँ तक फाइंड करना है, ज़ीरो से लेके हमें करना है, सॉरी माइनस वन से हमें कहाँ तक लेना है, टू तक। हमें क्या करना पड़ेगा डी एक्स के टर्म में, क्योंकि एरिया किस पे लाइक कर रहा है, एक्स पे, यानी डी एक्स के टर्म में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इन टू में क्या जाएगा हमारे पास वाई। उसके बाद क्या करेंगे हम, माइनस वन से क्या करेंगे, माइनस टू तक इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के, इन टू में क्या जाएगा हमारे पास वाई जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला एरिया में से क्या करेंगे, छोटे वाले एरिया को, ये वाला, इस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, ये क्या बड़े वाले एरिया में से हमने क्या कर, छोटे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर। अब मैं क्या करूँगा कि वाई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, किसके टर्म में निकालनी पड़ती है हमें, एक्स के टर्म में निकालनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे, किसके टर्म में निकालेंगे, एक्स के टर्म में। निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
जो हमारे पास इक्वेशन थी लाइन की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन, उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 4y था, एंड हमारे पास एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2 था। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, मैं क्या करूँगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी, किसके टर्म में निकाल दी है, वाई के टर्म में। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, ये यह वाला वाई की वैल्यू हमें निकाल गई किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। उसके बाद यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, ये हमारी वाई की वैल्यू निकलेगी किसके टर्म में, एक्स के टर्म में निकलेगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से -1 से हमें क्या करना था 2 तक, तो मैं क्या करूँगा ये वाली वैल्यू क्या कर सकता हूँ 1/4, ये जो हमारे पास 4 है 1/4 को मैं बाहर ले सकता हूँ, और जो हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए क्या आ जाएगा एक्स प्लस कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी एक्स के रिस्पेक्ट, माइनस -1 से हमें कहाँ तक करना है 2 तक। मैं क्या करूँगा यहाँ से 1/4 को क्या कर सकता हूँ बाहर ले सकता हूँ, उसके बाद इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। किसके किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है, डी एक्स के टर्म में इंटीग्रेशन कर, उसके बाद क्या कर सकते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1/4, उसके बाद यहाँ से इसका क्या जाएगा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ से आ जाएगा 2x, और ये इसकी इंटीग्रेशन लिमिट क्या है हमारे पास -1 से लेकर 2 तक 1/4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूबिक अपॉन में 3, इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा -1 से लेकर 2 तक। उसके बाद क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं अपने, मैं क्या कर सकता हूँ इस इक्वेशन में से 1/4 को बाहर ले लूँगा, ठीक है कॉमन ले सकता हूँ मैं। अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे माइनस के बाद क्या करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे। क्या कर सकते हैं अपर लिमिट पुट करेंगे उसके, उसके बाद क्या करूँगा मैं लोअर लिमिट, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से चीज़ें क्या होगी हमारे पास, क्या क्या बच जाएगा 1/4 तो हमने कॉमन ले रखा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4/2, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस -3, और हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे हाफ आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा -2 + 1/3। उसके बाद क्या कर लेंगे इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास टोटल कितना एरिया आ जाएगा, हमारे पास 9/8 एरिया आ जाएगा, ठीक है। हमने कल अपर लिमिट पुट कर दिया, लोअर लिमिट पुट कर दिया, उसके बाद क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं अपना एरिया हमारे कितना आ जाएगा 9/8 क्या हो गया हमारे पास, ये एरिया हमें मिल गया, ठीक है। हमने कहे बड़े वाले एरिया में से हमने छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया जो हमें रिक्वायर्ड एरिया थी वो हमें ईजिली मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो अगला क्वेश्चन उसमें क्या करना पड़ेगा, अभी तक हमें क्या हमारे पास क्या कहता एक पैराबोला था और एक हमारे पास लाइन की इक्वेशन, जिस पे क्या कर रहे थे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कर रहे थे फाइंड कर रहे थे, क्योंकि हमें क्या कर रहा था जो लाइन हमारा क्या कर रहा था पैराबोला पे इंटरसेक्ट कर रहा था, वहाँ पे क्या कर रहे थे उस पॉइंट को हम फाइंड कर ले रहे थे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। इंटरसेक्ट करने के बाद क्या कर रहे थे
बड़े वाले एरिया में से क्या कर रहे थे, छोटे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे थे, जिसकी वजह से हमारा छोटा वाला एरिया निकल जा रहा था। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमने, हमारे पास यहाँ पे एक पैराबोला था और लाइन की इक्वेशन थी, पैराबोला और लाइन की। उसके बाद हमने पैराबोला पे जहाँ पे लाइन ने इंटरसेक्ट करा वहाँ की हमने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिए। उसके बाद हमने क्या कर लिया, बड़ा वाला एरिया निकालने के बाद हमने छोटा वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया थी, शेडेड एरिया रीजन, वो हमें मिल गया। अब हमारे पास क्या आएगा, जिसमें क्या होगा कि हमारे पास लाइन की इक्वेशन होगी और सर्कल की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमें क्या बताना है, एरिया निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस और लाइन की इक्वेशन क्या हमारे पास है, लाइन की इक्वेशन है हमारे पास एक्स इज्क्वल टू अंडर रूट थ्री अपॉन में एक्स इज्क्वल टू अंडर रूट थ्री इंटू में वाई, एंड हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज्क्वल टू क्या है हमारे पास, स्क्वायर टू 4। अब देखिए जो हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ गई। अभी तक हमें क्या मिल रहा था, अभी तक लाइन मिल रही थी, पैराबोला मिल। अब हमें क्या करना है, जो भी एनक्लोज्ड एरिया होगा उसका क्या करना है, जो भी एनक्लोज्ड शेडेड रीजन होगा उसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एरिया निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी क्या करनी है, पिक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। तो सर्कल हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हमारा बन गया सर्कल। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारी लाइन की इक्वेशन, लाइन क्या हमारे पास है, यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, कि जो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो जो सर्कल है, सर्कल जो हमारे पास है, सर्कल का इक्वेशन क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारे पास 4 है। यहाँ से क्या सेंटर आ जाएगा हमारा, सेंटर निकालने के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, सेंटर निकालते कैसे थे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, एच माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा होता था ए का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो यहाँ पे क्या है हमारा एच और के क्या है, 0 0, तो हमारे यहाँ पे सेंटर कितना आ जाएगा, इसका सेंटर आ जाएगा हमारे पास 0 0 सेंटर आ जाएगा। इसका रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास, रेडियस इसका आ जाएगा हमारे पास 2, इसकी हो जाएगी रेडियस, यानी इसकी रेडियस कितना हो गई हमारे पास 2 मिल गई। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, सॉरी 2, 0 हो गया, और इसका हो जाएगा हमारे पास 0, 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये वाली इस वाली इक्वेशन में क्या करूँगा, जब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं जब यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा एक्स की वैल्यू, जब सॉरी जब वाई की वैल्यू, जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ पे ये क्या चीज़ है कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे 0 पुट करा, सॉरी वाई की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे 0 पुट करा, तो हमें क्या मिल गई, एक्स की वैल्यू अंडर रूट 3 मिल गई। अब हमारे पास जो क्या है इक्वेशन, मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें मैं क्या करूँगा,
अब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो भी सर्कल का इक्वेशन, जो भी हमारे पास इक्वेशन आ रही थी, हम क्या कर रहे थे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे थे। तो हमें क्या पिक्चर ड्रॉ कर ली, उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा हमें। और यहाँ से जो हमारे पास ये जो लाइन की इक्वेशन है, यानी कि ये हमारे पास जो लाइन है, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जो हमारी लाइन क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी, क्योंकि एक्स इक्वल टू कितना पर हमारे पास है, अंडर रूट थ्री अपॉन में, अंडर रूट थ्री इंटू में क्या हमारे पास वाई है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, कि हमारे पास जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट थ्री को का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फोर। उसके बाद यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, फोर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा थ्री, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट के अंदर थ्री, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, हमारा क्या हो गया प्लस क्या हो गया, यहाँ पे अंडर रूट थ्री हमें मिल गया, और अंडर रूट माइनस अंडर रूट थ्री क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास माइनस अंडर रूट थ्री। उसके बाद क्या कर सकता हूँ कि मैं, हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास एरिया किसका निकालना है, कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, एनक्लोज क्या करना है एक्स एक्सिस को, जो हमारे पास ये जो एरिया एक्स एक्सिस है, और लाइन की जो है, जो हमारे पास लाइन है उसका, और एनक्लोज साथ में किसको लाना है हमारे एक्स एक्सिस को, जो लाइन की इक्वेशन और सर्कल, यानी कि हमारे पास एक्स एक्सिस ये मिल गई, हमारे पास लाइन ये हो गया और हमारे पास सर्कल ये हो गया, तो हमें क्या करना है ये वाला एरिया निकालना है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जीरो से लेके मैं क्या करूँगा, पहले अंडर रूट थ्री तक एरिया निकालूंगा, उसके बाद क्या करूँगा मैं, रूट थ्री से हमें क्या करना पड़ेगा, टू तक एरिया निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो भी हमारा जीरो से लेके अंडर रूट थ्री तक एरिया निकालूंगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, रूट थ्री से क्या कर लूँगा, टू तक एरिया मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तब मैं क्या करूँगा, जो भी हमारे पास ये किस पे एरिया लाई करा, एक्स एक्सिस पे, तो मैं क्या किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के टर्म में, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे जीरो से लेके अंडर रूट थ्री तक एरिया निकालूंगा, किसके डी एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू में क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्लस रूट थ्री से हमें निकालना पड़ेगा टू तक, उसके बाद क्या करूँगा डी एक्स के टर्म में इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनटू में वाई आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि वाई की वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म में निकालेंगे, एक्स के टर्म में निकालेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, और एक्स इक्वल टू कितना था हमारा, अंडर रूट थ्री अपॉन में अंडर रूट थ्री इंटू में वाई, इसका यूज़ क्या, इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक्स की सॉरी वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके टर्म में निकाल सकते हैं एक्स के टर्म में।
हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेकर आ जाऊँ, उसके बाद क्या कर सकता हूँ कि जो हमारा अंडर रूट के अंदर क्या है, 4 माइनस वाई का स्क्वायर, मैं क्या इसको लिख सकता हूँ कि 2 के पावर 2 हो जाएगा, माइनस वाई की पावर कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा क्या बन गया, ये क्या बन गया हमारा इंटीग्रेशन, जो चैप्टर था उसमें फॉर्मूला था कि अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, इसका हमारे पास फॉर्मूला था, उसका यूज़ करेंगे इस इंटीग्रेशन में, और यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी किसके टर्म में, वाई की टर्म में। ये यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, क्या करना था हमें, वाई की वैल्यू निकालनी किसके टर्म में निकालनी, एक्स के, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाली किसके टर्म में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, सेम यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई रख देंगे, और जहाँ पे वाई है वहाँ पे एक्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या हो गया हमारे पास कि ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब हमने क्या निकाले, वाई की वैल्यू निकाली किसके टर्म में निकाली, एक्स के टर्म में हमारे पास आ गई। यहाँ पे हमने क्या कर लिया था कि एक्स की वैल्यू निकाली किसके टर्म में, वाई की टर्म में, हमें ऐसा नहीं करना था, हमें क्या करना था कि वाई की वैल्यू निकालनी थी किसके टर्म में निकालनी थी, एक्स के टर्म में, तो हमें क्या कर लिया कुछ ऐसा। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू किसके टर्म में आ जाएगी, √3 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन में √3 = 2y, ये हमारे पास आ गया। वाई की वैल्यू किसके टर्म में आ गई हमारे पास, एक्स के टर्म में। अब मैं क्या करूँगा, इसको पुट कर दूँगा, 0 से लेकर √3 हमारे पास कितना है, एक्स अपॉन में √3 है, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। उसके बाद क्या करना है हमारे पास, 0 सॉरी √3 से हमें क्या करना है, 2 तक, उसके बाद हम क्या कर लेंगे यहाँ पर 2 की पावर 2 एक्स की पावर स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला था उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ से इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 2√3, इसमें अपर लोअर लिमिट हमारे जगह 0 हो जाएगा और लोअर लिमिट हमारे पास √3 प्लस एक्स अपॉन में 2 आ जाएगा। उसके बाद अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, जो हमारे पास ये चीज़ें की बने, यानी कि 2 की पावर 2 एक्स का एक्स की पावर 2, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ये 4 अपॉन में 2 sin inverse x अपॉन में 2, इसकी जो अपर लिमिट की है हमारे पास 2 है, लोअर लिमिट हमारे पास √3। अपर लिमिट पुट करेंगे उसके बाद लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी कि यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, 2√3 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 0 पुट कर दूंगा, उसके बाद जहां पे भी एक्स है उसके क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस उसके बाद क्या चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे, जब मैं लोअर अपर लिमिट पुट कर दिया, लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा हमारे पास कि √3 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारे पास, यहाँ से क्या होगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 4 sin inverse √3 अपॉन में 2, ये क्या हो गया हमारा,
अपर लिमिट पुट कर दिया, लोअर लिमिट पुट कर दिया, यहाँ से ये चीज़ें क्या बन जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या चीज़ें बन जाएगी, यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा, ये चीज़ें ज़ीरो बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें बन जाएंगी इसमें क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा वन हो जाएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, हमारे इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन में थ्री। पाई अपॉन में थ्री हमारा क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, यानी कि जहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, या तो वो कभी पैराबोला पे इंटरसेक्ट कर रही थी, या तो वो सर्कल पे, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे थे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद क्या कर रहे थे, होल एरिया निकालने के, होल जैसे कि हमने क्या कर लिया था यहाँ पे, यहाँ से -1 से लेकर 2 तक हमने पूरा एरिया निकाला, उसमें से क्या कर लिया, ये वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, ये वाला एरिया बच गया। सेम एज इट इज़ हमने क्या करा यहाँ पे कि 1 0 से लेकर 1 तक हमने क्या करा, इंटीग्रेशन कर लिया, उसके बाद इस वाले बड़े वाले एरिया में से हमने छोटा इस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या एरिया बच गया, ये वाला। लेकिन जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या हुआ कि हमने, हमें क्या करना था, 0 से लेकर हमने क्या कर लिया, 0 से लेकर हमने क्या कर लिया, √3 तक एरिया निकाल, उसके बाद √3 से हम निकाल लिया 2 तक। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 0 से लेकर 2 तक भी एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना था, टोटल एरिया हमें निकालना था। ये क्या था, हमारा वाई एक्सिस था और ये हमारा एक्स एक्सिस था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालने थे, जो दोनों इक्वेशन लाइन की हो या पैराबोला की हो, उसका यूज़ करके, दोनों के इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या कर रहे थे, अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे थे। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।